चैनल आज हम लोग जा रहे हैं सीडेमन से नूसा लिम्बोंगन और ऑलरेडी हम लोग सनूर कोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आपको नूसा लिम्बोंगन जाना है, नूसा चेनिंगन जाना है या फिर नूसा पेनेडा जाना है या फिर आपको गिलिटी जाना है तो आपको यहां से फास्ट बोट मिलेगी सनूर कोर्ट से। सबसे ईजिएस्ट वे है ट्रैवल करने के लिए कोई भी आइलैंड पे सनूर कोर्ट से। सो हमने सीडेमन से सनूर कोर्ट पहुँचने के लिए टैक्सी बुक की थी जिसका हमारा 2,50,000 आइडिया हुआ। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 1,300 रुपीज़ होता है। सो हमने जो बोट बुक किया है नूसा लिम्बोंगन के लिए वो 12 बजे का किया है दोपहर के, बट आपको एक घंटा पहले यहाँ पर पहुँचना पड़ता है, मतलब 11 बजे का आपका चेक इन टाइम होता है। सो हम लोग सुबह घर से निकले 9:30 बजे। सीडेमन से अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 से 1.25 घंटा लगता है सनूर कोर्ट पर पहुँचने के लिए, तो आप अपने बोट के टाइमिंग के हिसाब से निकलिए क्योंकि आपको एक घंटा पहले यहाँ पर पहुँचना है। सो सनूर कोर्ट पर आप जैसे ही एंटर करोगे आपको बहुत सारे कंपनी के कियोस्क दिखेंगे, तो आप यहाँ पर आकर भी डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हो आपके फास्ट बोट का। बट दूसरा वे ऐसा है जो हमने प्रेफर किया है, मुझे एक नंबर मिला था तो उनसे हम लोगों ने ऑलरेडी कंफर्मेशन लेके बुकिंग कर डाली थी, सिर्फ पेमेंट हमें यहाँ पर आके करना था। सिर्फ मैं आपको कॉस्टिंग बता देती हूँ कि हमारा कॉस्टिंग हुआ 2,50,000 IDR पर पर्सन, जो कि रफली 1,300 होता है इंडियन रुपीज़ में। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि हमारा नूसा लिम्बोंगन पहुँचने के बाद हमारा होटल का ड्रॉप ऑफ भी इंक्लूडेड है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि हमने प्री बुक किया है हमारा फास्ट बोट, तो ये मुझे कंफर्मेशन आया था और जिनसे मैंने प्री बुकिंग किया उसका कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे आइटिनरी में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा आइटिनरी डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे पहुँच के टैनिस का जो कियोस्क है हमने वहाँ पे ये कंफर्मेशन दिखाया और फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये बोर्डिंग पास दिया है। आपको जाते समय पे टिकट नहीं मिलता है, हमें बोर्डिंग पास डायरेक्टली मिलता है और आपका जो ड्रॉप ऑफ का जो होटल का लोकेशन है उसका स्टिकर वो लोग स्टिकर पे लिख के आपको टी शर्ट पे स्टिक करने देते हैं। सो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है और आपका जो लगेज है आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जो आपके बड़े बड़े लगेजेस है वो आपको वहाँ पे ड्रॉप करने कियोस्क के साइड में और उनका स्टाफ ही आकर बोट पे लोड करता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग, जब मैं रिसर्च करी तो काफ़ी लोगों ने लिखा था कि लगेज अलाउड नहीं है या फिर कुछ पर्टिकुलर वेट ही आप लेके जा सकते हो, तो वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ बैकपैक अपने साथ रखिए। आपका जो पूरा प्रोसेस है फास्ट बोट हायर करने का वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और अगर आप प्री बुक करते हो तो आपका पूरा प्रोसेस और भी सिंपलर हो जाता है। सो गाइस ये था कंप्लीट प्रोसेस का डिटेल्स। इनकेस आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर हमें इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम का हैंडल हमारा यहाँ पर है। सो अभी फिलहाल हमारे पास और एक घंटा है तो हम एक कैफे में बैठे हैं, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, यहाँ पे क्रोसॉन भी काफ़ी अच्छे हैं। सो आपको मिलते हैं नूसा लिम्बोंगन में सीधा। So guys, हम लोग ने बोर्ड कर लिया है हमारा फास्ट बोट और डिसेंट है काफी। से मुझे एक ही कंप्लेंट है कि ये विंडो नीचे होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर ही है थोड़ा। और एक और चीज़, आपने नो मैटर व्हाट कौन से टाइप के शूज़ या फिर स्लीपर डाले हैं, आपके वो जो शूज़ है वो निकालने को बोलते हैं और एक कंटेनर में डालते हैं जो आपको उतरने के बाद वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, आप शॉर्ट्स डाल के आओगे तो भी अगर मेरे जितना हाइट होगा तो थोड़ा बहुत आपका पैंट गीला होने का चांसेस, जैसे मैंने शॉर्ट्स डाला है तो फिर भी मेरा थोड़ा शॉर्ट्स गीला हो गया, तो ट्राई करके जितना शॉर्ट डाल सकते हो उतना डालिए। हम लोग
को सनूर पोर्ट से नूसा लिम्बोंगन पहुंचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स लगा और जो हमारा ओवरऑल राइड था वो काफ़ी स्मूदर था, बट फिर भी किसी को मोशन सिकनेस का इश्यू रहेगा तो मैं रिकमेंड करूंगी कि मेडिसिन आप लेके जाइए। नूसा लिम्बोंगन में भी टोटल 2 पोर्ट्स है, हम लोग जहाँ पर उतरे उसका नाम है मशरूम बे बीच और वो बीच भी बहुत ही इनक्रेडिबल है। पूरा साफ पानी है समंदर का और एकदम ब्लू है, मतलब आप देखोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आपको नीचे सारा दिखता है, मतलब रेत भी उसकी प्रॉपर वाइट है, तो बहुत अमेजिंग लगा। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन नूसा लिम्बोंगन का बहुत इनक्रेडिबल था। सो वहाँ से हमें शेयरिंग शटल में उन्होंने बिठाया और हमारा सामान वगैरह लोड करके उन्होंने हमें ड्रॉप किया है हमारे होटल में। तो लिम्बोंगन में हम लोग जहाँ पर स्टे कर रहे हैं उसका नाम है ओशन पैराडाइज कॉटेज और पोर्ट से मतलब जहाँ पर हम लोग उतरे वहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए लगभग हम लोग को 10 मिनट्स लगा। पूरा जो आइलैंड है वो काफ़ी छोटा है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लिटरली 10-15 मिनट में पहुँच सकते हो। हमारा जो होटल है वहाँ से नूसा सेनिंगन का व्यू पूरा क्लियरली दिखता है। तो क्विकली पहले मैं आपको रूम टूर देती हूँ और बाद में मैं आपको पूरा होटल भी दिखाऊंगी। सो ये है हमारा छोटा सा कॉटेज, यहाँ पर बाहर ऐसा गैलरी एरिया है, वहाँ पे उन्होंने 2 चेयर्स रखी है और एक छोटा सा टेबल है, यहाँ पर बैठ के मस्त ओशन का व्यू आप इंजॉय कर सकते हो और ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो यहाँ पर। फिर चलिए रूम दिखाती हूँ मैं आपको। सो ये है हमारा रूम, गलती से मैंने ट्विन बेड वाला रूम बुक कर दिया था तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ ज्वाइन कर दीजिए, तो उन्होंने ज्वाइन करके दिया है हमें बेड यहाँ पे। उन्होंने मॉस्किटो नेट भी दिया है क्योंकि बाली में सब जगह पे थोड़ा मॉस्किटोज़ का इश्यू है। फिर यहाँ पे भी उन्होंने बैठने के लिए एक छोटा सा काइंड ऑफ टेबल जैसा दिया हुआ है। सो यहाँ पे टीवी है, टीवी के नीचे टेबल है और टेबल के यहाँ पे भी उन्होंने स्पेस दिया हुआ है, तो आपको कुछ सामान रखना है तो आप रख सकते हो। इनका डस्टबिन भी काफ़ी फैंसी है, पूरा बाम्बू का है। एक बात मुझे बाली के सारे होटल्स की बहुत अच्छी लगती है कि सारा इको फ्रेंडली स्टफ़ वो लोग यूज़ करते हैं, कहीं पर भी प्लास्टिक ज़्यादा मैंने देखा नहीं है, बहुत रेयरली प्लास्टिक यूज़ होता है। फिर यहाँ पर उन्होंने मिरर दिया हुआ है रेडी होने के लिए, टेबल है यहाँ पर और टेबल पर उन्होंने चाय कॉफ़ी का सारा सामान रखा हुआ है, ग्लास का वाटर बॉटल है, एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, टिश्यू पेपर रखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर साइड में ओपन वार्डरोब है, सो आप अपना सारा सामान अच्छे से रख सकते हो। उन्होंने हैंगर्स भी दिए हुए हैं आपको अगर अपने कपड़े हैंग करने रहेंगे तो। ये लॉन्ड्री का बास्केट है यहाँ पर और ये रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है अपना, बिन टैंक अगर आपको स्टोर करना है तो। यहाँ पर एसी का रिमोट है और अभी मैं आपको क्विकली वॉशरूम दिखा देती हूँ। सो वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है और दोनों साइड से थोड़ा सा ओपन स्पेस है बट बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड नीट है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है पूरे वॉशरूम में, यहाँ पर थोड़ा सा क्यूब जैसा अगर क्रिएट करते तो शावर करते टाइम पे पूरा वॉशरूम गीला नहीं होता था, वो एक ही चीज़ है बट ठीक है, मतलब बजट में जो चीज़ उन्होंने दी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको कपड़े रखने के लिए रैक दिया हुआ है, यहाँ पर वॉशरूम है, वॉशरूम में बाइडेट भी है और जेट स्प्रे भी है और फिर उसके बाद यहाँ पे सिंक एरिया है और सिंक के यहाँ पे मिरर। सो गाइस मैंने आप लोगों को रूम तो दिखा ही दिया, उसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी के बीचों बीच एक पूल है जहाँ से आपको ओशन का इन्फिनिटी व्यू मिलता है और नूसा सेनिंगन भी पूरा यहाँ से दिखता है। सो जिस रेट में हमने प्रॉपर्टी बुक की उसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि रूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है और ओवरऑल प्रॉपर्टी बहुत ही पीसफुल और शांत है। ये रूम हमने बुक किया था 2000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से और अगर आप भी अपना बाली का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो हमारा आइटिनरी आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक से। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वॉन्डर्स।